दोस्तों, शाम का समय था। हावड़ा जंक्शन पे हजारों लोग अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। उसी भीड़ में एक बेहद खूबसूरत सी महिला भी बैठी हुई थी। तभी अचानक एक व्यक्ति आता है और उसकी नज़र उस महिला पे पड़ती है, और जैसे ही उस महिला को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये उस महिला का भूतपूर्व पति था। यानी कि 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो चुका था। फिर वो सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही थी, कहाँ जा रही है, और उसको देखने लगता है। तभी वो महिला अचानक से उठती है और उठ करके जाने लगती है। अब जब वो जाने लगती है तो ये भी उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि ये उसी ट्रेन में जा कर के स्लीपर कोच में बैठने जा रही है जिसमें उसको भी जाना था, लेकिन एसी कोच में। तो वो सोचता है कि क्यों ना आज अपनी पत्नी की जासूसी ही कर लेता हूँ कि आखिर इसकी ज़िंदगी में आजकल चल क्या रहा है, 8 साल बाद हुआ क्या इसकी ज़िंदगी में, उसको ज़रा पता करता हूँ। और ये सोच करके ये भी उसी बोगी में चढ़ जाता है जिसमें उसकी तलाकशुदा पत्नी चढ़ती है। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। इससे पहले कि आज की इस लव से लभा लव स्टोरी में आप लोग खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि हमारा दिल भी धड़कता रहे। साथियों, आज की ये जो स्टोरी है बेहद रोमांटिक स्टोरी है, बेहद भावपूर्ण स्टोरी है, आंखों में आंसू लाने वाली स्टोरी है, कमाल की स्टोरी है। ज़रूर सुनिएगा और पूरा ज़रूर सुनिएगा। साथियों, आज की कहानी एक तलाकशुदा पति और पत्नी की कहानी है जो संयोगवश एक ट्रेन में मिल जाते हैं। जब ये उसकी पत्नी ट्रेन में चढ़ करके अपनी सीट नंबर पे खिड़की के बगल में बैठ जाती है, तो ये पति थोड़ा सा दूरी पर उसको ऐसे जगह पे खड़ा रहता है कि जहाँ से उसकी पत्नी उसे देख ना पाए। तो वो देखता रहता है कि आखिर कोई बगल में आकर बैठता है। यही सोच रहा था वो कि अगर इसकी शादी हो गई होगी तो कोई ना कोई तो होगा जो बगल में आके बैठेगा, लेकिन जो भी कोई आता, अपना बैग रखता, ये औरत उसको भगा देती। कहती, अरे हटिए हटिए, यहाँ बैग क्यों रख रहे हैं, ये मेरा सीट है, आप हटिए, मेरे को तबीयत नहीं सही है, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कह के वो 4-5 लोगों को भगा दी। वो व्यक्ति सोच रहा है कि आखिर जो भी आ रहा है उसको भगा दे रही है, इसका मतलब कहीं अकेले तो नहीं जा रही है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और ट्रेन चल देती है। जब ट्रेन चल देती है तो ये अपना पैर पसार करके अपने सीट पे बैठी रहती है। अब उसके भूतपूर्व पति को ये यकीन हो जाता है कि अकेले ही सफ़र कर रही है। फिर उसके बाद ये भी सोचता है कि भीड़ भाड़ थोड़ा बढ़ गई थी, आगे और स्टेशन पे भीड़ बढ़ जाएगी तो शायद मैं इससे दूर हो जाऊंगा। तो वो भी आकर के अपना बैग जैसे ही इसके सीट पे रखता है, ये कहती है, हटाइए हटाइए, अपना बैग हटाइए। ऊपर देखती भी नहीं है, नीचे ही देखकर, हटाइए, ये मेरा सीट है, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को इलाज कराना है, मैं सोने जा रही हूँ, हटाइए बैग यहाँ से। तो ये बोलता है कि देखिए, अभी सोने का समय हुआ तो नहीं है, थोड़ा बैठने का जगह मिल जाता तो जब आप सोएंगी तो मैं बैग हटा लूँगा, मैं हट जाऊँगा, लेकिन अभी तो थोड़ा बैठने दीजिए। जब ये आवाज़ सुनती है तो ऊपर देखती है, तो देखती है, तो देखती रह जाती है, क्योंकि इसी का पति जो जिससे इसका तलाक हो गया था वो सामने खड़ा है। और कुछ बोल भी नहीं पाती, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर उसके बाद कहती है कि ठीक है, बैठ जाइए, नज़रें झुका करके आराम से बोलती है कि बैठ जाइए। वो बैठ जाता है और ये खिड़की की तरफ देखने लगती है। फिर बीच बीच में एक टक उसके तरफ मार लेती और मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान, 8 साल बाद ये फिर से कहाँ मिल गया मुझे। अंदर ही अंदर जो है कि उसको कोस भी रही थी और अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी कि भला मिला तो सही 8 साल बाद। मतलब क्योंकि 8 साल पहले जब शादी हुई थी ना इन लोगों की, उसके पहले तो इन लोगों में बड़ा गहरा प्यार था, रिश्ता अच्छा था, लेकिन उसको, इसके पति को दारू शराब की लत लग गई थी बुरी चीज़ों की, इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया, आपस में विवाद हो गया और एक दिन तलाक का नौबत आ गया और तलाक हो गया था। फिर उसके बाद इसका पति धीरे धीरे बातचीत शुरू करता है और कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है, दिल्ली जा रही हो इलाज कराने, क्या प्रॉब्लम है। तो ये कहती है, क्या करेंगे आप जान के, वैसे मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मैं ऐसे ही लोगों को बोल रही थी क्योंकि लोग आकर बैठ जाते, मैंने सीट अपना रिजर्व कराया है, मुझे सो कर जाना है, मेरी तबीयत नहीं सर ख़राब है, सब ठीक है।
ऐसा बोल के वो फिर खिड़की की तरफ देखने लगती है। तो इसका पति फिर बातचीत आगे बढ़ाता है और कहता है कि दिल्ली में रहती हो, कहाँ रहती हो वहाँ पे? तो ये फिर कहती है कि छोड़िए, जाने दीजिए, क्या करेंगे जानकर आप ये सब। फिर दोनों चुप रहते हैं। फिर कुछ देर बाद ट्रेन बहुत तेज़ी से चलने लगती है और जनवरी का टाइम था, कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। तो ये औरत अपना कंबल निकालती है और ओढ़ लेती है, और वो व्यक्ति बगल में ऐसे ठिठुर रहा था जो इसका भूतपूर्व पति था। तो ये देखती है और कहती है कि आप कोई चद्दर कंबल नहीं लाए हैं? तो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास तो कोई कंबल चद्दर नहीं है। तो बोलती है अरे स्वेटर तो पहन लेना चाहिए था कम से कम। तो बोलता है कि इनर पहना हुआ हूँ, स्वेटर तो नहीं पहना, इनर है। तो कहती इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है और आप ऐसे ही चल दिए, कहीं तबीयत खराब हो जाएगी आपकी तो। बोलता है कि नहीं ठीक है, सब अच्छा है। और तुम बताओ कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि मैं अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, दिल्ली में मेरी एक सहेली रहती है, उसी के पास जा रही हूँ। फिर थोड़ा बहुत बातचीत करते करते वो बोलती है कि खाना वाना लाए हैं खाने के लिए? तो ये कहता है नहीं मैं तो खाना नहीं लाया। तो ये बोलती है मुझे तो भूख लग रही है, मैं घर से बना के लाई हूँ, तो आधा आप ले लीजिए, आधा मैं खा लेती हूँ। तो ये कहता है नहीं नहीं आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। और वो रात को आते हैं ना 10 बजे लोग वो बिरयानी वगैरह लेकर के, तो मैं लेके खा लूँगा, आप खाओ। तो उसकी औरत कहती है हाँ तुम तो खाओगे पियोगे, इसीलिए तुम मेरे हाथ का खाना नहीं चाहते। थोड़ा व्यंग मारती है। तो कहता है देखो पीने उने का काम मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जब मेरा तलाक हुआ ना तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो गलती है वो यही थी कि मैं बहुत पीने लगा था, बहुत बुरी आदतों में फंस गया था। तो मैंने 8 साल पहले ही पीना छोड़ दिया है और मैं अब नहीं पीता। तो उसकी पत्नी कहती है विश्वास नहीं होता मुझे। तो कहता है विश्वास करो या ना करो यही सच्चाई है, मैं अब अच्छा इंसान बन गया हूँ, मैं अब पीता उता नहीं हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पीते हैं आप तो बढ़िया है, अच्छा है। शादी वादी तो पूछता है वो कि क्या तुमने शादी कर लिया? तो ये कहती है कि नहीं अभी तो शादी नहीं हुई है, मैं वहीं जा रही हूँ दिल्ली में, मेरी सहेली ने मुझे बुलाया है और वहीं पे वो बोल रही थी कि कोई शादी वादी की बात करेगी वो। तो इसका पति थोड़ा सा सोचने लगता है। फिर उसकी औरत भी पूछती है कि आपने शादी कर ली? तो बोलता है नहीं नहीं मेरी भी शादी अभी नहीं हुई है। फिर उसके बाद कहती है कि ये लीजिए आधा खाना आप खा लीजिए, आधा मैं खा लेती हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो फिर वो आधा खाना देती है, वो खाता है, फिर ये भी खाती है। और उसके बाद कहता है कि तुम्हारा पेट तो भरा नहीं होगा क्योंकि आधा खाना तुमने मुझे दे दिया। तो बोलती नहीं नहीं ठीक है इतना काफ़ी है। तो तब तक 10 बज जाते हैं। तो वो बिरयानी वाले आते हैं ट्रेन में, आपने देखा होगा ना, ये अंडा बिरयानी ले लो, ये समोसे गर्मा गर्म पाव भाजी ये गर्मा गर्म ले लो, ऐसे कुछ बोलते हैं ना वो लोग। तो ये बोला अरे देखो यार अंडा वाला आ गया, कढ़ी वाला आ गया, वो बिरयानी वाला आ गया, मंगाया बिरयानी, 2 बिरयानी लिया। तो उसकी पत्नी बोलती है 2 क्यों लिया आपने? बोला नहीं 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 एक तुम खाओ एक मैं खाता हूँ। उसने खिलाया वो, मतलब खाई, वो दोनों मिलकर खाए पिए बातचीत करते रहे। फिर उसके बाद वो पूछती है कि घर में मम्मी पापा कैसे हैं? तो बोलता है सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। फिर उसकी एक छोटी बहन थी यानी इसकी जो ननद थी वो भी बड़ा पटता था दोनों में। तो पूछती है कि वो कैसी है आपकी छोटी बहन कैसी है? तो बोले वो भी बड़ी हो गई थी, फिर उसकी भी शादी हो गया, वो भी अपने ससुराल में है। तो कहती है अच्छी बात है बहुत बढ़िया। फिर 11 बज जाते हैं दोनों को बातचीत करते करते, 11:30 तो उसकी पत्नी कहती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो कहता है ठीक है सो जाओ। तो ये कहती है आप कैसे सोएंगे, आप तो कुछ लाए भी नहीं हो ओढ़ने के लिए, ये लीजिए कंबल कोई ओढ़ लीजिए। वो बोलता है नहीं 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 ठीक है तुम ओढ़ के सो जाओ।
लेकिन फिर आपस में वो दोस्तों क्या है ना, 8 साल पुराना जो प्यार है वो उमड़ ही जाता है। वो बोलती है ठीक है आप भी लीजिए, थोड़ा सोइए ना, ओढ़िए ना, तो ओढ़ लेता है वो भी और इधर उधर मुंडी करके अपना अगल बगल सो जाता है। फिर सुबह के 4 बजते हैं और दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा ट्रेन में जब 4 बजता है तो क्या होता है, 4 बजते ही ये गर्म गर्म चाय, इलायची वाला चाय, अदरक वाली चाय ले लो, ये चाय बोले चाय 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 बोले चाय। तो इस तरीके से जब चाय की आवाज़ आने लगती है तो नींद किसको लगती है, नींद खुल जाती है। फिर दोनों आपस में अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें करते हैं। फिर उसके बाद बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, सुबह सुबह कोहरे का टाइम था, तो ये अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसको देते हुए कहती है कि थोड़ा अपना कान बांध लीजिए, बड़ी तेज़ी से हवा आ रही है, ठंडी लग रही है। तो वो लेता है, कान बांधता है और कहता है बड़ा अच्छा मफलर है आपने, इसे अपने हाथों से लगता है बनाया है। तो उसकी पत्नी कहती है हाँ हाँ मैंने हाथों से ही बनाया है। किसके लिए बनाया है आपने? बोली कि वो जो सहेली है उसी के लिए बनाया है, वो दिल्ली में रहती है ना, तो मैं जा रही हूँ तो सोचा कि लेकर जाऊँ। तो फिर उसके बाद वो व्यक्ति जब स्टेशन आ जाता है, दिल्ली पहुंच जाते हैं, सुबह सुबह हो जाता है, उतरते हैं स्टेशन पर रेलवे स्टेशन, तो ये उसको मफलर देने लगता है। तो कहती नहीं नहीं आप ले लीजिए, बोलता है नहीं नहीं, बोलते नहीं ले लीजिए आप, अभी आप कहाँ जाएंगे, ठंडी लगेगी आपको। तो ले लेता है और अपने जेब से पैसे निकाल कर उसे देने लगता है, 3-4 हज़ार रुपये। तो नहीं लेती है, बोलती नहीं नहीं आप जाइए, मेरी सहेली आ ही रही होगी मुझे लेने के लिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये सब मत करिए अच्छा नहीं लगता है। बोलता है कि कोई बात नहीं है आप रख लो इसे। वो नहीं लेती है, पैसे नहीं लेती है। कहता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एक दूसरे से जुदा होने का समय आ जाता है और दोनों भरी आँखों से एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो उधर को चल देता है, ये इधर को चल देती है, लेकिन बीच बीच में पलट पलट कर एक दूसरे को देखते रहते हैं। तब तक भीड़ इतनी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से ओझल हो जाते हैं, फिर सदा सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। तब तक उसकी सहेली आ जाती है और कहती है अरे यार तुझे ही खोज रही थी, कहाँ है तू, अभी अभी मिली है इस भीड़ भाड़ में, किधर कब से ट्रेन आई हुई है, क्या हुआ? तो बोलती हाँ यार मैं भी तुम्हें ही अभी फ़ोन लगाने ही वाली थी। बोलती है पागल फ़ोन मैं तुझे कर रही हूँ तू उठा नहीं रही है, तू लगाने वाली थी, अच्छा चल 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 चलते हैं। तो कहती है यार रुको एक बात बताना है तुम्हें। तो बोलती है क्या बात है? तो कहती है यार रात को जब मैं वहाँ हावड़ा से चढ़ी ना शाम को, तो मेरा 8 साल पुराना तलाकशुदा पति मिल गया था और संयोग से मेरी ही बोगी में बैठा और मेरे ही पास बैठ गया। रात भर हम लोग अपना बात करते आए, अब सुधर गया है वो, अब बोल रहा था दारू पीना छोड़ दिया है और अच्छी ज़िंदगी अब जी रहा है, लेकिन शादी उसकी नहीं हुई है, माँ बाप के साथ रहता है, उसकी जो छोटी बहन थी उसकी भी शादी हो गई है। तो उसकी सहेली कहती है अरे छोड़ना यार, उस पागल के चक्कर में क्या पड़ रही है, उससे किसी तरह तेरा पीछा छूटा था, जाने दे, अब उसको अब पता चलेगा ना, अब सुधर गया तो अब उसे पता चलेगा कि पत्नी क्या चीज़ होती है, क्या लक्ष्मी जैसी तुम उसके साथ रहती थी, कितने बढ़िया से तुम पेश आती थी, तुम्हें मारता था गाली देता था, अब उसे पता चल रहा होगा, जाने दे छोड़ उसकी बात, उसको जाने दे। तो फिर दोनों सहेलियां चल देती हैं, ये उसके रूम पे जाती है और उसके बाद कहती है चल मैं तेरे लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता देख कर रखी हूँ, कल तुमको मिलवाऊँगी उससे। तो बोलती है कौन है क्या है? तो वो उसकी सहेली बोलती है एक जींस की फैक्ट्री है, उसमें 10-15 लोग हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे उसी जींस फैक्ट्री के मालिक हैं वो, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, बड़ा अच्छे इंसान हैं वो, और मैंने उनसे तेरे लिए बात करके रखा है कि मेरी एक सहेली है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, गरीबी के कारण थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो गया है सर, लेकिन बेहद खूबसूरत है, और एक बार आप उससे मिल लीजिए तो आप देख करके ज़रूर पसंद कर लेंगे उसको। तो ये बोलती है अरे तूने ऐसा क्यों बोला रे कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है? तो बोली अरे तू चुप रहा, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा जाकर बोलना, तुम भी तुमसे भी अगर कुछ भी पूछेंगे तो ये बता मत देना कि मेरी शादी हो गई थी, मेरा तलाक हो गया था, इसके बारे में कुछ मत बोलना। तो कहती क्या कर रही है तू, चल अच्छा है जैसा तू कह रही है ठीक है। फिर दोनों अपना जाते हैं और खाना पीना खाते हैं, ये भी अपना फ्रेश वगैरह होती है। 10 बजे के बाद वो लिबा करके उसको, अपनी सहेली को लिबा करके उसी जींस की फैक्ट्री में, उसकी सहेली काम कर रही थी तो लेकर जाती है
और जा करके ऑफिस का दरवाज़ा जैसे ही नॉक करती है, नॉक करके कहती है कि सर मैं अपनी सहेली को लेकर आई हूँ, कहिए तो मैं अंदर ले आकर आऊँ उसको। तो वो जो उसका बॉस था वो बोलता है कि ठीक है लिवाए आओ मिल लेते हैं। और जैसे ही वो अपनी सहेली को लेकर के ऑफिस के अंदर आती है, ये दोनों एक दूसरे को देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वो बोलता है कि तुम, ये बोलती है आप। तो इसकी सहेली इधर उधर दोनों को देखने लगती है और कहती है कि अरे आप दोनों लोग एक दूसरे को जानते हो? तो मुस्कुराने लगते हैं दोनों और उसका जो बॉस था वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, ये तुमको बताया था ना मैंने कि मेरी 8 साल पहले शादी हुई थी तो मेरा तलाक हो गया था, ये मेरी 8 साल पुरानी पत्नी है जिससे मेरा तलाक हुआ था। तो कहती है सर तो आज रात को आप भी कहीं गए थे, आप भी उस आए हैं दिल्ली आज ही? तो बोलता है हाँ आज ही मैं भी आया हूँ इस ट्रेन से, हम लोग ट्रेन में रात को साथ साथ सफ़र करके आए हैं। फिर सब में हंसी मजाक होने लगता है, फिर सब बैठते हैं, फिर पूरा माहौल एकदम खुशी का हो जाता है। फिर उसके बाद ये व्यक्ति बोलता है कि देखो यार 8 साल पहले जो हुआ सो हुआ, आज उस ऊपर वाले ने उस ऊपर वाले की मर्जी है, वो हमको फिर दोबारा मिलाना चाहता है इसीलिए हम लोगों को ट्रेन में मिलवाया। फिर देखो तुम्हारी सहेली ने ट्रेन में मिलने से पहले ही हमको मिलाने का प्लान बना रखा था, तुम्हारी सहेली निकली और इसने तुम्हें मुझसे ही मिलने के लिए दिल्ली बुलाया और फिर इस तरीके से हम दोनों लोग मिल गए। तो क्या कहना चाहती हो? मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ, मम्मी पापा के साथ यही रहता हूँ, तो क्या विचार है तुम्हारा? तो कहती है कि विचार क्या होगा जब ऊपर वाले की ही मर्जी है, तो मैं भी खुश हूँ आप बदल गए हैं और उसने जब हमें मिला ही दिया है तो मैं भी तैयार हूँ। और इस तरीके से साथियों उन लोगों का फिर से शादी होता है, दोनों फिर से राजी खुशी रहने लगते हैं, गले मिलते हैं आपस में। तो ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी साथियों आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आप लोगों ने हमें इतना समय दिया इसके लिए साथियों आप सभी लोगों का हाथ जोड़ करके हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।